वेलकम स्टूडेंट टू ब्रिलियंट क्लास। ब्रिलियंट क्लास में आपका स्वागत है। आज के डेमो लेक्चर में मैं सिंप्लीफिकेशन, जिसे सरलीकरण कहते हैं, सरलीकरण ये टॉपिक लेने जा रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको। आपने एग्जाम्स में देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है सेकंड्स में। ये जनरली स्टूडेंट क्या करता है, जो आम स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता है वो। एक तो क्या करता है कि ये क्वेश्चंस लास्ट में सॉल्व करने की कोशिश करता है, जब उसके सामने ये क्वेश्चन आते हैं तो स्किप कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि यार ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मेरा टाइम जाएगा, तो इसलिए वो क्या करता है, इसे स्किप कर देता है और सोचता है कि मैं लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा क्योंकि मुझे टाइम लग रहा है इसे। पर लास्ट में जब वो इस क्वेश्चन पे आता है तो टाइम बहुत ही कम होता है उसके पास, तब वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता है, तो ये क्वेश्चन वो छोड़ ही देता है एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ब्रिलियंट क्लास में सीखोगे तो इसको आपको सेकेंड्स में सॉल्व आप कर लोगे और आपका सिलेक्शन जो है, आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो 100% हो जाएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व किया जाता है। देखिए, डिजिटल रूट नाम की जो मेथड है मैं आज आपको वो बताऊँगा। डिजिटल रूट होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखिए, एक नंबर दिया है 3, 4, 5, 6, समझो एक नंबर है, ये एक नंबर आपको दिया है, इसका डिजिटल रूट क्या होगा, इसका डिजिटल रूट इन सब का जो जोड़ आएगा वो आपका डिजिटल रूट है। 3 प्लस 4 7 3 प्लस 4 7, ये देखिए ऐसा करना है, 3 प्लस 4 कर दिया 7, फिर 7 प्लस 5 12 12 प्लस 6 18 18, इसका डिजिटल रूट आ गया 18। अब 18 मेरा एक डिजिट में नहीं है, एक डिजिट में लाना है मुझे इसे, एक डिजिट में आ गया तो मेरा डिजिटल रूट आ गया, तो फिर से मैं इसका एडिशन कर दूंगा, 1 प्लस 8 1 प्लस 8 कितना होता है 9 9, जहाँ पे भी डिजिटल रूट आता है तो उसे आपको 0 मान लेना है, 9 आ गया तो उसे 0 समझ लेना है डायरेक्टली 0। अब देखिए, मैं इसे इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकता था। देखिए, 4 प्लस 5 कितना होता है, 4 प्लस 5 9, तो ये इसका डिजिटल रूट 0 हो गया। 3 प्लस 6, अब बाकी बचा हुआ क्या है, 3 प्लस 6 3 प्लस 6 को ऐड करता हूँ तो क्या होता है 9, इसका डिजिटल रूट 0। मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। देखिए, अब सेकेंड नंबर लेते हैं 5 6 7 8, इस नंबर का डिजिटल रूट मुझे फाइंड करना है, मुझे इस नंबर का डिजिटल रूट ढूंढना है, तो 5 प्लस 6 11 11 प्लस 7 18 18 प्लस 8 26 26, इसका 26 आ गया, तो 26। अब 26 का डिजिटल रूट क्या होता है, 6 प्लस 2 2 प्लस 6 8, तो इसका डिजिटल रूट 8 हो गया। तो इस तरीके से डिजिटल रूट निकाला जाता है। आपको पता तो चल गया अभी डिजिटल रूट क्या होता है, अभी आपको करना है इसे अप्लाई क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस में जब आप अप्लाई करोगे सिंप्लीफिकेशन के, या कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आप जब अप्लाई करते हो, जहाँ पे भी कैलकुलेशन आ जाते हैं वहाँ पे आप अप्लाई करते हो, आपको ऑप्शन थ्रू डायरेक्टली आंसर पता चल जाता है कि मेरा आंसर क्या है, मेरा जो एग्जाम में जो ऑप्शन दिया उसमें क्या आंसर कौन सा है। देखिए, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, इन क्वेश्चनों पे, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही सिंपल, आप डिजिटल रूट से सॉल्व करते हो तो सिंपली सॉल्व कर लोगे इसे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 106 × 106 + 94 × 94, ऐसा दिया हुआ है, 106 × 106 + 94 × 94, तो आपको निकालना है आंसर इसका। देखिए, अगर जनरली स्टूडेंट, आम स्टूडेंट क्या करेगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, तो टाइम बहुत जाएगा, 3 डिजिट यहाँ पे है और यहाँ पे 2 डिजिट है, और वो भी बड़े बड़े नंबर दिए हैं,
आपको 94 का टेबल तो आना नहीं है, 94 का टेबल किसी को भी नहीं आता होगा, किसी भी स्टूडेंट को आता नहीं होगा। तो 94 और ये 94 आप मल्टीप्लाई करोगे जनरल मेथड से तो आपको टाइम बहुत लगेगा, डिजिटल रूट पे डायरेक्टली आ जाते हैं। चलो इसका डिजिटल रूट कितना, 106 का डिजिटल रूट 6 + 1 कितना होता है, या 1 + 6 = 7 सेवन। अब ये फिर से 106 है, इसका भी डिजिटल रूट 7 7, बीच में इंटू साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है, तो ये मल्टीप्लाई की साइन में वैसे ही रखूँगा जैसे नंबर के बीच में जो साइन थी। अब 7 × 7 7 7 का कितना होता है, 49। अब 49 का डिजिटल रूट क्या है, 9 का तो 0 होता है, तो ये 4 बचा, तो डिजिटल रूट आ गया 4। तो इसका डिजिटल रूट आ गया 4 और यहाँ पे प्लस साइन है 4 प्लस। अब इनका डिजिटल रूट, 94 का डिजिटल रूट, मैं 9 को क्या मानता हूँ, 0 मान लेता हूँ मैं डिजिटल रूट में, ये 0 हो गया, तो बचा कितना 4, इसका भी ये 0 हो गया 9 और 4, तो 4 4 16 16 16, तो इसका डिजिटल रूट 1 + 6 = 7, तो इसका डिजिटल रूट आ गया 7, तो यहाँ पे 7। अब देखिए इनको ऐड कर देना है, 4 + 7 कितना होता है, 4 + 7 = 11 11। अब इसका डिजिटल रूट, 11 का डिजिटल रूट क्या है, 1 + 1 1 + 1 = 2, 2 मेरा डिजिटल रूट आ गया। अब देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आंसर में देखना है डिजिटल रूट 2 किसका आता है। इसका डिजिटल रूट, फर्स्ट वाले का डिजिटल रूट कितना है, 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 2 8, डिजिटल रूट इसका 8 आ गया है 8। तो मेरा तो 2 चाहिए मुझे तो आंसर का डिजिटल रूट। अब देखिए सेकंड में देखिए, तो फर्स्ट वाला नहीं है मेरा आंसर, सेकंड में देखिए 2 + 3 कितना होता है, 5 5 + 2 7, तो 7 आ गया इसका डिजिटल रूट, ये भी नहीं है मेरा आंसर कट, मुझे 2 चाहिए। 2 + 7 9 9 को मैं 0 मान लेता हूँ, 9 को डिजिटल रूट में 0 कंसिडर करते हैं हम, तो बचा कितना 2, तो इसका डिजिटल रूट आ गया 2, इसका डिजिटल रूट 2 हो गया, ये मेरा आंसर है। फिर भी मैं इसे चेक करके देखता हूँ, इसका तो डिजिटल रूट 2 नहीं आ रहा है, चले देखिए 2 + 3 5 फिर से 3 + 2 5 तो 5 + 5 10, तो इसका डिजिटल रूट 10 का डिजिटल रूट 1 + 0 1, इसका डिजिटल रूट 1 आ गया, मेरा आंसर है 3। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट करना है। ये देखिए मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हो आप सेकंड्स में क्रैक कर लोगे, सेकंड्स में ये एग्जांपल सॉल्व करके आगे निकल जाओगे, 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड्स, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो और कम सेकंड्स लगेंगे। देखिए आप इजीली यही पे कर लेते हैं, 8 + 3 8 + 3 कितना होता है, 8 + 3 11 11 का डिजिटल रूट, 8 + 3 हो गया 11 11 का डिजिटल रूट 1 + 1 2। अब ये देखिए 6 + 1 7 7 + 6 13 13 का डिजिटल रूट कितना होता है, 13 का डिजिटल रूट हो गया 4, तो इसका 2 और इसका 4, 2 4 के बीच में साइन कौन सी है, प्लस की, तो 2 + 4 6, तो 6 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, समझो 6 6 लिख लिया, डिवाइडेड बाय, अब इसका डिजिटल रूट कितना है, 28 का, 2 + 8 10 10 का डिजिटल रूट 1 + 0 1 + 0 1, तो 6 / 1, आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड 1 से करते हो तो वो नंबर ही रहता है लास्ट में, तो 6 ही रहने वाला है, डिजिटल रूट आ गया 6। अब देखिए अब मुझे क्या करना है, बस आंसर में देखना है 6 किसका डिजिटल रूट आता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में डिजिटल रूट कितना आ रहा है, 3 + 2, इनका एडिशन कर दिया 3 + 2 5 5 आ गया, पर मुझे तो चाहिए 6, नहीं है ये आंसर, नहीं है मेरा। सेकंड देखता हूँ, डिजिटल रूट 4 + 4 8 8, मेरा आंसर 6 आना चाहिए, नहीं ये भी नहीं है, इसका 8 आया है। अब इसका डिजिटल रूट 3 + 3 6 6 + 2 8, इसका भी 8 आ गया है, ये भी नहीं है मेरा आंसर, मुझे तो चाहिए 6, तो आंसर है नन ऑफ दिस। आप कैलसीपर करके देख लीजिए, इसका एग्जैक्ट आंसर नन ऑफ दिस आने वाला है, नन ऑफ दिस मतलब जो आंसर आएगा वो इसमें नहीं है आपका आंसर, ए 1 2 3 में नहीं है आपका आंसर, ये भी आप कैलसीपर कर कैलकुलेट कर रूट 1 है। इसका एडवांस, इसके आगे का जो आपको सीखना है तो आपको ब्रिलियंट क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपको
और जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के प्रॉब्लम है वो कैसे करना है, डिवाइड में अगर आ जाता है डिजिटल रूट तो वो कैसे करना है, इसकी भी मेथड से वो भी आपको सिखाए जाएंगे ब्रिलियंट क्लास में। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे आप ब्रिलियंट क्लास ज्वाइन कर लीजिए और आपका फ्यूचर सिक्योर कर लीजिए। आपसे जो फीस ली जा रही है ब्रिलियंट क्लास में, जो फी जो है वो नॉमिनल फीस है, और वो नॉमिनल फीस जो आप पे कर रहे हो, वो जो आम फीस जो आप पे कर रहे हो, वो फी का आपको पूरा पूरा का पूरा फी वसूल होने वाला है। आपको जॉब मिलने वाला है, जॉब इम्पोर्टेंट है सर जी। तो जॉब पाने के लिए आपको अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए, और अच्छा गाइडेंस ब्रिलियंट गाइडेंस आपको चाहिए तो ब्रिलियंट क्लास में ही मिलेगा। थैंक यू।